अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुलैफ़ा। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। अब ईद की भी ब्लॉग भी है, ईद का भी ब्लॉग आएगा। अभी हम मैंने एक लैपटॉप लिया था, काफ़ी मतलब 1 to 2 months हो गए मेरे पास है वो। 1 month हुआ है तो मैं अब उसका रिव्यू देने लगा हूँ आपको। आपको आगे वीडियो में दिखाते हूँ। फ्रेंड्स, ये देखेंगे मेरा लैपटॉप है का बैग है, क्योंकि यूज़ में लिया है इसलिए, क्योंकि कोई इसके साथ कोई बॉक्स नहीं है। ये देखें इसका बैग है, ये देखें। अब मैं आपको पहले एक्सेसरीज दिखा देता हूँ इसके साथ। ये इसका सिंपल चार्जर, ये इसका सिंपल चार्जर है। ये देखिए आप इसकी, ये देखिए इसको क्लिप लगा हुआ है, ये इससे खुल जाता है वायर इसकी। अब आप ये देखें इसकी डिटेल आप खुद देख लें, फोकस हो गया। ये आपको मैं बता दे रहा पढ़ के, ये है 19.5 वोल्ट का चार्जर है आउटपुट इसका, और ये 100 to 240 वोल्ट इसका इनपुट है, 50 to 60 हर्ट्ज़। और ये देख ले, मेड इन चाइना इसके ऊपर लिखा हुआ। ये देखिए डेल की ब्रांडिंग है यहाँ पे। अब आपको इसको साइड पे रख लेते हैं। अब मैं आपको इस वो एक्सेसरीज दिखाता हूँ जो मैंने बाद में ली है। ये देखें, एक केबल है, मतलब ये USB to USB है जाके, ये कोई और कोई माउस है उसको एक्सटेंड करने के लिए है। ये देख रहे हैं आप। और ये मैंने एक ब्रश लिया था दराज से, मैं ऑर्डर किया था। ये देखे, ये यहाँ से सेपरेट भी हो जाता है। इसके अंदर ये तो मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं होते, उसका स्लीपुलर है ये। और ये देखें, अभी ये इसके फंक्शंस ख़त्म नहीं हुए, ऐसे खुलता है। ये देखिए, इसके अंदर एक पेन की नींबू भी है साथ, फोकस ही नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, ये देखिए माइक्रोफाइबर ब्रशेस के साथ, और ये एक निब है ताकि मोबाइल के अंदर कोई डस्ट हो या लैपटॉप के अंदर ना, तो वो इससे निकल जाती है और यहाँ से भी इसे साफ हो जाता है। और ये देखिए, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है ये वाला, इससे भी सारे गन शन साफ हो जाते हैं। ये इसके अंदर लग जाते हैं, फिर हम इसको ये कैप लगा के बंद कर सकते हैं और ये हमारे सिंपल ब्रश बन गया। अब आपको लैपटॉप दिखाते हैं जिसका आपको वेट होगा, बस लाइट से करूँ ताकि लाइट आ जाए। ये देखिए, ये हम बैग की जिप को ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर से अपना लैपटॉप निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डेल लैपटॉप। अब आप इसको पोर्ट्स दिखा देते हैं। ये देखें, सबसे पहले एक लॉक वाला होता है और ये लैन पोर्ट है इसका, ये ऐसे करके हो जाता है। ये HDMI पोर्ट है, ये 2 USB पोर्ट है, ये 3.5 mm जैक है इसके अंदर। ये मेमोरी कार्ड लग जाता है और ये इसके अंदर सिम भी डल जाती है मोबाइल डाटा यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे फ़ैन का है, यहाँ पे एक और USB पोर्ट है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है ताकि हम मोनीटर कनेक्ट कर सकते हैं इससे, इसको हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं और हम इससे डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं टाइप सी पोर्ट में, और ये इसका मेन चार्जिंग पोर्ट है। अब इसको फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अंदर NVMe SSD लगी हुई है 256 GB की। और ये देखिए, यहाँ पे पूरे वेंट्स हैं इसके, लैटिट्यूड 5400। और ये विंडोज़ का ब्रांड बैज भी लगा हुआ विंडोज़ का, और यहाँ पे भी इसकी डिटेल लिखी हुई है कुछ। ये देखिए, यहाँ पे बॉटम 5 स्पीकर है, ये 2 स्पीकर लगे हुए हैं इसके अंदर। अब आपको खोल के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था। ये देखें, इसके अंदर ये जो चार्जर नहीं था, इसके अंदर एक लाइट भी लगी हुई है। और ये देखिए हमारा मेन डिवाइस लैपटॉप, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर बैक लाइट कीबोर्ड है, और इसके आपके साथ स्पेक्स बताता हूँ। ये देखेंगे, इसके अंदर माउस स्टिक भी है, ये टच पैड है, ये भी बटन है इसके, ये ऊपर भी यही है, ये भी एक बटन है। और ये बैक लाइट कीबोर्ड और ये पावर बटन, इसको ऑन कर लेते हैं। ये रही 4i7 V Pro 8th generation, इसके अंदर प्रोसेसर है इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है। अभी ये देखिए, आपको इसकी बूट अप भी दिखाते हैं, मैं बस कर दूँगा फिर आपको दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डेल का अभी 649 हो रही है इस टाइम, रेट भी अब बहुत चल रही होगी। अब तो एक मिनट आपको नीचे कर दूँ, मैंने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड, ये देखिए, इसके अंदर विंडोज 11 प्रो है। ये देख लें, इसके अंदर मैंने ऐप्स भी कुछ रखी, जिस PC रिसाइकल भी माइक्रोसॉफ्ट एज है,
गूगल क्रोम, अडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब ये पूरा वो वर्ल्ड है। ये गेम लूप है, एक कैपकट है, इंस्टाग्राम, अडोब एफ्रीकोड, जूम, फाइबर, OBS स्टूडियो, ये स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। अब मैंने इसके अंदर अडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर भी कराना है, वो मैंने कल कराना है, कल संडे होगा। अच्छा अब अभी ये देख लें, मैं आपको इसका स्पेक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, फुल कर देते हैं परफॉर्मेंस। CPU देख लें आप इसका, CPU इसके अंदर इंटेल कोर i7 85U वाला प्रोसेसर है, CPU 1.90 GHz। ये देखें इसके अंदर ये 4 core 8 thread वाला इसके ये प्रोसेसर है, बेस पे 2.9 GHz। बाकी आप सब कुछ देख लें। ये देखें इसके अंदर इंस्टॉल्ड मेमोरी है 16 GB। ये देख लें आपको मिला नहीं, 16 GB रैम लगी हुई है। ये देखें 4.3 GB अभी यूज में, और ये अवेलेबल 11.4 GB भी अवेलेबल, कैश 1.1 GB। ये आप एक मिनट, ये देखिए SSD है इसके अंदर, CD ड्राइव लगी हुई है सैमसंग की, MZB LM, ये वाली SSD लगी हुई है कोई इसके अंदर। ये वाईफाई और GPU इसका, ग्राफिक कार्ड देख लें आप, इसके अंदर कोई डेडिकेटेड तो नहीं इंटीग्रेटेड है, सिर्फ इसके अंदर लगा हुआ है इंटेल UHD ग्राफिक्स 620। ये देख लें आप सारे इसके चीज़ें, स्टार्टअप ऐप से ये बाकी चीज़ें हो जाएंगी और डिटेल। अब हम इसके अंदर जाते हैं, इंटेल यूनाइजन किया ताकि मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाए। अभी हम जाते हैं गूगल क्रोम पे। ये देख लें फ्रेंड्स, ये माय चैनल का मैंने अलग से बुकमार्क सेव किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। देख लें ये हमारा चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये देख लें लाइव पे 2004 MC पे वीडियो आएगी, 76 सब्सक्राइबर है। आपने इस मंथ के एंड तक प्लीज़ ईद तक अपना 100 तो कंप्लीट करवा दें, और 43 वीडियोस आप लोग इधर उधर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइबर ज़्यादा करवा दें। ये देख लें अभी हमारी लास्ट वीडियो, हमने इतने पहले बनाई थी ईद की बनाई थी हमने, शॉर्ट ईद की, बड़ी ईद आने लगी उसकी वीडियो बनेगी। ये देख लें तो सारी वीडियोज़ हैं, अब आपको मैं दिखा रहा था इसके अबाउट सेक्शन में जाने का, अस्सलामुअलैकुम के बारे में, मतलब ये तो वही, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये तो टॉपिक पे भी नहीं है। यूट्यूब भी खोल लेते हैं, इसके काफ़ी सारे टैब्स खोल लेते हैं, फिर भी ये अभी इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है, हमारा इंटरनेट स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए अलग अलग टैब खोल देते हैं हम, दराज, इंस्टा, फाइबर खोल देते हैं, स्पीड टेस्ट खोल देते हैं, गूगल खोल देते हैं, होंडा खोल देते हैं, टोयोटा भी खोल लगे, TOYOTA, ये फिर भी लैग नहीं करेगा, ये इतना पावरफुल है। देखें टोयोटा भी, अभी होंडा पे भी स्विच हो गया एकदम से जल्दी से, आपको ये ब्लर हो रहा है, फिर फोकस करके ये देख लें। गूगल ट्रांसलेटर भी खुल गया, स्पीड टेस्ट भी खुल गया, इसी ये बार में हम स्पीड भी देख लेते हैं। ये फाइबर भी खुल गया, और ये देख लें ऑनलाइन शॉपिंग ग्राफ भी खुल गया, और ये हमारा यूट्यूब भी खुल गया। ये देख लें आप स्पीड भी हम देख लेते हैं हमारे इंटरनेट की कितनी। तो ये कभी आपको बताओ हमारे इंटरनेट का मसला क्या है, कभी ये 2-3 MBPS आ रही होती है, और अभी देख ले कभी ये क्या कौन सा कमाल कर रही होती है। कभी हमारे घर वैसे तो शायद 16 MBPS का लगा हुआ है, पर ये देखें कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, इसकी एक स्पीड नहीं होती। दोबारा चेक करूँगा तो और स्पीड आ रही है, इसलिए मैंने बस छोड़ ही देता हूँ आपको। इसी बार स्पीड भी दिखा दी है हमने, किसी होंडा टोयोटा या इन ऐप्स की प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ्री में प्रमोशन थोड़ी होती है। 24.48 Hz, ये देख लें आप। अभी इसके अंदर हम गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको दिखा देते हैं, कहते हैं तो ये देख लें इसके माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके सारी ऐप सही से चलती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट इसका स्टोर भी, इसके अंदर आप विंडोज 11 प्रो में सपोर्ट भी होता है। अब आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, और इसके अंदर वो आपको बाकी फंक्शन भी दिखा देते हैं। ये देखें अडोब इलस्ट्रेटर भी खोल लेता हूँ, फोटोशॉप भी खोल लेता हूँ, फिर भी इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल है, लैग कहीं पर नहीं करेगा। दोनों चीज़ें खुल जाएँ वैसे, ये अभी इलस्ट्रेटर खुल गया, फोटोशॉप को भी खुल रहे हैं। ये देखें इलस्ट्रेटर, इसके अंदर कॉमन वाला क्रिएट कर लेते हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कर रहा हूँ, तो मुझे अभी कोई ख़ास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती नहीं है,
वह ऐसी थोड़ी बहुत आ जाती है, आती है, मतलब इसके ऊपर लोड डाल लो, जो मर्जी कर लो, ये भी चल रहा है आपके सामने। अब ये देखें, ये मेरी पिक्चर है फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको एडिट करूँगा, फोटोशॉप भी बड़े आराम से चल रहा है। ये देखें स्क्रिप्ट भी, और कोई लैग नहीं है इसके अंदर। हाँ, काफ़ी कुछ हो सकता है फोटोशॉप, बहुत इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ भी कर सकता है, फोटोशॉप की पावर बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम इनको बंद कर लेते हैं, ये दोनों अडोब के हैं, मैंने सेव नहीं करना ये। बाकी आप देखिए अभी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, और ये देख रहे हैं आप अभी सेटिंग में जाके, हम सर सेटिंग में चले जाते हैं इसके। ये देखिए लैटिट्यूड 4005 4W डिस्प्ले को भी आपको दिखा देते हैं, मोर HDR डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1920x1080p रिकमेंडेड है इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी रेजोल्यूशन है, तो मैं रिकमेंडेबल ही रखी हुई है। मल्टीपल मोनिटर्स भी सेटअप कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, ग्राफिक ड्राइवर, मतलब किसी ऐप्स को हम लगा देते हैं ग्राफिक्स। मैंने अभी फ़िलहाल एक गेम लूप को थोड़ा ज़्यादा दिए हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस पर किया हुआ है, और भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर ऑप्शन, ऑप्टिकल फीचर्स भी हैं कुछ काफ़ी सारे। गेमिंग में इसका गेम मोड भी है, गेम कैप्चर भी, गेम मोड भी है, देखने में ग्राफिक्स का वो या इनको भी है। अभी आपको एक थोड़ा सा गेमिंग एक्सपीरियंस, वैसे मैं कोई खास गेम खेलता नहीं होता, मैं गेम के लिए है ही नहीं है, तो फिर भी मैं एक दो गेम्स रखी है आपको दिखा देते हैं। नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड है मेरे पास, बड़ी अच्छी गेम है, रिमास्टर्ड एडिशन है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। अभी आप आइडिया लगाने कितनी चलती, ज़बरदस्त चलती होगी गेम चलती है, फिर आपसे मिलती है। ये देखें नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड प्रेस आने की स्टार्ट हो रहे, तो आपसे मिलती है। फ्रेंड्स ये देख लिया बुगाटी वेरोन है, अभी एक काम ख़राब हो गया, लाइट चलेगी इसलिए आपको अब कंप्रोमाइज़ करना होगा, साउंड बंद कर दो, कॉपी लाइट ना आ कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस आपको सुनाने के लिए कर लेते हैं। हर बड़ी ज़बरदस्त गेम चलती है यार, इस गेम को खेलने का मज़ा ही अपना है, बड़ी गेम है ये। इसे पुलिस भी पीछे पड़ती है, मोस्ट वांटेड है, क्रैश होगी कार। मैं वैसे मैं मोबाइल पे देख के खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ। ये देख लिया, इतना हीटअप भी नहीं होता, बड़ा ज़बरदस्त चलती है गेम। ये देख लें, मुझे अभी कोई ख़ास खेलने नहीं आ रही है, देखें बर्नआउट भी होता है इसके अंदर, देखिए बर्नआउट करता हूँ मैं अभी, कोई बर्नआउट भी हो जाता है। गेम बड़ी नेक्स्ट लेवल गेम है ये, बड़ा मज़ा आता है। पुलिस है, पुलिस को पीछे पड़ा है, ये देखो कॉप्स पीछे पड़ गए, ओ हो मर्सिडीज़ वाले को पता नहीं क्या था। हमारे पास बुगाटी है, हमने इसको ऐसे चकमा लेना है, ये है पुलिस वाले आ गए, ओए हो तो गाड़ी मार रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं यार, मुझसे भी नहीं खेली आ रही। अरे बस गेम के एक्सपीरियंस बहुत हो गया, लाइट भी गई हुई, आपको बाकी चीज़ें भी दिखानी है। चलो ठीक है, अब गेम बंद कर देते हैं, बस बहुत गेम खेल लिए, आपको चेक ही कराना था एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने पबजी की हुई है वो, पर मैं इतनी खेलता नहीं हूँ, ये आप देख लेंगे। इसके अंदर बैक आपको बाकी फंक्शन इसके दिखा देते हैं, ये जो कीबोर्ड है ना, ये बैक लाइट कीबोर्ड है, ये देखिए ये लाइट शुक्र है लाइट आ गई है, ये है ये लाइट ऑफ, स्लो है ये तेज़ हो गई, ये देख लें जो लाइट भी आ गई थी वहाँ। अब हम आपको थोड़ा कैप कट भी खोल कर दिखा देते हैं, अब ये वीडियो नहीं इस पर ही एडिट करूँगा, या मैं कल ना संडे आज सैटरडे को वीडियो बना रहा, मैं ना कल सॉफ्टवेयर कराऊँगा, क्या कहते हैं अडोब प्रीमियर प्रो, उसमें शायद एडिट करूँ, नहीं तो अगर वो ना कराया तो इसमें करना है। ये आप देख लें कैप कट भी पीसी मोबाइल वाले से डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा फंक्शन है पीसी वाले कैप कट में। ये देख लें वो भी स्टूडियो ये और भी चीज़ें हैं, ये गेम बुक ऑन करता हूँ और इसी पबजी का गेम प्ले दिखा देते हैं आपको, कोई ख़ास मैं खेलता नहीं हूँ, थोड़ा सा ही दिखाऊँगा, मुझे ना कोई ख़ास खेलने आती है, क्योंकि पहले मैं मोबाइल प्लेयर था, मोबाइल पर बड़ी खेलता था, मतलब किसी को अभी मैंने कोई खास खेली नहीं है। अभी ये देखें गेम लूप एंटी ऑन हो रही है, फ्रेंड्स मैच ऑन हो गया, आपको मैं इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। ये शुरू शुरू में थोड़ा होता है,
क्योंकि गेमिंग तो नहीं है, बिजनेस लैपटॉप है असल में। ये देख लें आप, यहाँ पे स्मूथ बैलेंस HD HDR अल्ट्रा HD और ये HD तक इसका फुल सपोर्ट है, और ये HD पे भी एक्सट्रीम देता है, पर ये स्मूथ और बैलेंस स्मूथ पे 90 FPS देता है। स्मूथ पे देखें फ्रंट 90 FPS देता है। अभी हम ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखें हम पबजी खेल रहे हैं, मैं टच पैड पर खेल रहा हूँ, इससे मुझसे खेली नहीं जानी पबजी। देखें टच पैड, ये आप मैं दिखा भी देता हूँ, टच पैड पे मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मुझसे कोई खेली जा रही है। मैं वैसे भी कौन सा अच्छा प्लेयर हूँ, पर पबजी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको इतना बता रहा हूँ। अभी मैं टच पैड पे नहीं खेला जाता बिल्कुल भी। देखें कितना स्मूथ चलती है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। पर अभी हम बंद कर देते पबजी, मेरा दिल नहीं कर रहा है, बंद कर देते हैं। साउंड क्वालिटी बताएं कैसी है, बस ज़्यादा नहीं सुनाया, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए देख लिया। अब हम इसको बंद, अब इसको पावर ऑफ कर देते हैं, शट डाउन। देख लो फ्रेंड शटिंग डाउन हो रहा है, धीरे धीरे तो हम शट डाउन बनाते हैं इसको। हो गया फुल टर्न ऑफ हो गया, अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये था हमारा डेल लैटिट्यूड, इसके आपको सारे पोर्ट्स भी बता दिए थे। चले अब हम इसको बंद करते हैं। एक चीज़ को चेक की नहीं, वन हैंड से ओपन नहीं होता, इसको टू हैंड से ही होता है, क्योंकि एप्पल का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमने अपनी वीडियो आपको दिखा दी है, अब आपको क्वालिटी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अब आगे बड़ी ईद को 10 डेज लेफ्ट है, तो हम बड़ी ईद का भी ब्लॉग बनाएंगे, उसमें हमने जो भी है आपको सब कुछ दिखाएंगे। या बीच में एक और ब्लॉग। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।